हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टी किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड पकौड़े। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कितना टेस्टी लग रहा है। ये बहुत ही इजीली बन जाता है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना क्रिस्पी बना है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कितना यमी लग रहा है। आने वाले हैं ब्रेड पकौड़ा, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन लिया है, 4 हरी मिर्च लिया फ्रेंड्स। यहाँ पे एक कटोरी हमने बेसन लिया है, और फोरन के लिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे राई ली है। स्टफिंग के लिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 750 ग्राम हमने आलू लिया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ब्रेड पकौड़े के लिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे व्हाइट ब्रेड लिया है, आप देख सकते हैं हमने यहाँ ब्रेड की स्लाइसेस रख ली है। फ्रेंड्स अब हम अपने लहसुन और मिर्च को मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। स्टफिंग के लिए हम इसे बॉईल कर लेंगे। आलू बॉईल करने के लिए फ्रेंड्स हमने गैस पे कुकर को चढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स आलू उबालने के लिए हम इस बड़े से कप से 1 कप पानी डालेंगे अपने कुकर में। फ्रेंड्स अब हम इसमें अपने आलू डाल देंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स हम अपने सारे आलू को डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने सारे आलू को पानी में डाल दिया है। अब हम कुकर को बंद कर देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने कुकर को बंद कर लिया है। फ्रेंड्स हमने अपने कुकर को हाई फ्लेम पे ही रखा है। हम इसमें 2 सीटी लगने देंगे, उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। स्टफिंग के लिए फ्रेंड्स पहले हम अपने आलू को फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें तेल डालेंगे। फ्रेंड्स हमने कढ़ाई में तेल को डाल दिया है। अब फ्रेंड्स हमने जो फोरन के लिए राई रखी थी, हम इसमें उसको डाल देंगे। फ्रेंड्स और इसमें अपनी पिसी हुई लहसुन और मिर्च डालेंगे। हमने इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स हम इसे हाई फ्लेम पे ही फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा लहसुन और मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया था वो फ्राई हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स पकौड़े के लिए हम अपना बैटर तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें अपना बेसन डालेंगे फ्रेंड्स। 1 छोटी चम्मच हल्दी, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक फ्रेंड्स, 1 पिंच लाल मिर्च फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है। अगर आपको तीखा नहीं पसंद हो फ्रेंड्स तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स हम इसमें अपना पानी डालेंगे, आप देख सकते हैं हमने भी। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमने अपने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है, पर ये भी बहुत ही ठीक है। इसके लिए फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे।
हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल देने से हमारा बैटर बहुत ही पतला हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी हमें ना तो ज़्यादा थिक रखनी है और ना ही ज़्यादा थिन। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा बैटर कितने अच्छे से तैयार हो गया, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है। ये ना तो ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा मोटी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमने इस बड़े से कप से 3/4 पानी डाला है, आप देख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग पानी डालेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी बैटर ना तो ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही मोटी। हमारा बैटर रेडी हो गया है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे आलू अच्छे से बॉयल हो गए हैं। इसके बाद हमने गैस को ऑफ कर देता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। अब हम अपने आलू को मैश कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे अपने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स अब हमने जो अपने लहसुन और मिर्च को फ्राई किया था उसमें अपने आलू को मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें अपने टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे फ्रेंड्स। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने अपने आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब ये स्टफिंग के लिए बिल्कुल भी तैयार है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब अपने ब्रेड में आलू की स्टफिंग करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे 1 लीटर धनिया पत्ता की चटनी का ब्रेड पे अपने स्प्रेड कर लेंगे। आप देख सकते हैं अब हम इसमें अपनी स्टफिंग के लिए आलू लगाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपने आलू को अच्छे से ब्रेड में लगा दी है। हम केचप को ब्रेड की दूसरी साइड अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स हमने ब्रेड के एक साइड केचप को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स हम अपने दूसरी साइड को अपने ब्रेड पे लगा देंगे, हम इसको ऐसे प्रेस कर लेंगे फ्रेंड्स। अब हम इसको स्लाइस में काटेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी ब्रेड की स्टफिंग कितनी अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं। ऐसे करके हम अपने सारे ब्रेड के स्लाइसों में स्टफिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। इससे हमारे ब्रेड पकौड़े और भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि एक साइड हमने केचप लगाया और एक साइड धनिया पत्ता। इससे ब्रेड पकौड़े की टेस्ट खट्टी मीठी आएगी, जो कि बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ऐसे ही हम अपने सारे ब्रेड पकौड़े को बना लेंगे। अपने पकौड़े को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में तेल को डाल दिया है, आप देख सकते हैं। हम इसे गर्म होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपने पकौड़े के लिए सारी स्टफिंग कर ली है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे फ्राई करते हैं। तेल गर्म हो गया फ्रेंड्स, अब हम इसे अपने पकौड़े डालेंगे। फ्रेंड्स हमने ब्रेड को बेसन में डिप कर लेंगे अच्छे से, आप देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने अच्छे से डिप कर लिया है। अब हम इसे कढ़ाई में डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही अपने सारे ब्रेड पकौड़े को तेल में डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपने सारे ब्रेड पकौड़े को डाल दिया है। हम इसे हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे फ्रेंड्स, इससे हमारे ब्रेड पकौड़ा और भी क्रिस्पी बनेगा।
ऐसे ही करके फ्रेंड्स हम अपने सारे ब्रेड पकौड़े को भी पलट देंगे। ये देख फ्रेंड्स, हमने एक साइड के ब्रेड पकौड़े को अच्छे से पलट दिया है। अब हमने दूसरे साइड को भी फ्राई कर लेंगे। अब हमारे ब्रेड पकौड़े अच्छे से फ्राई हो गए फ्रेंड्स, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आप बेल आइकन को दबाना ना भूले फ्रेंड्स, इससे आपको टेस्टी किचन की सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी।